तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि इनके राजनीतिक जो अहंकार हैं उसको जमीन में गाड़ देंगे। ये लालू प्रसाद यादव के गोद में बैठ करके दलितों को किस तरह से ये कह लीजिए कि बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक जमीन को अब जब तक इनके पैर के नीचे से खिसका नहीं देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कल दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्याम सुंदर जी। क्या जीतन राम मांझी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है? अरे, गुस्सा शांत होने का सवाल नहीं है। और गुस्सा शांत क्यों होगा? जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर टिप्पणी की थी और विधानसभा के अंदर उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद फिर जिस तरह से वो बाहर आकर के भी उनके लोग बोल रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो रत्नेश सदा हैं उनके ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं, तो अगर इन लोगों ने दलित नेताओं को बेइज्जत करने का ठेका ले रखा है तो अब हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि इनके राजनीतिक जो अहंकार हैं उसको जमीन में गाड़ देंगे। उसके बाद इनको इनकी हैसियत पता चल जाएगी। अहंकार की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, दलितों की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो जो सब्ज बाग दिखाते हैं, इनको बताना चाहिए कि आखिर 90 के बाद जब से ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई राजनीति की केंद्र में आए, तब से किस दलित नेता को इन लोगों ने आगे बढ़ने दिया? एक जीतन राम मांझी का कद जब बढ़ने लगा, जब इन्होंने अपने बचाव के लिए अपने पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जीतन राम मांझी जी का इस्तेमाल करना चाहा और जब उन्होंने बड़ी लकीर खींचनी शुरू की तब इनके पेट में दर्द हो गया। उसके बाद ये बताएं कि कौन सा ऐसा दलित नेता है जिसको कि 90 के बाद इन लोगों ने उसका कद बढ़ने दिया। ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं अपने क्लर्क किरानी की तरह दलित नेताओं को, कभी टिकट काट देना, कभी नीतीश कुमार के अगल बगल में भी देखते हो काफ़ी दलित नेता हैं। बताइए ना कि नीतीश कुमार के संघर्ष के दिनों के कौन से नेता हैं? संघर्ष के दिनों कहा कि मांझी जी बढ़ रहे थे उनके साथ कोई निश्चित तौर पर नहीं है, इस्तेमाल है ना भाई, इस्तेमाल करने की कोशिश की और जब इनके रबड़ स्टैम्प बनने से इनकार कर दिया, जब इनके रिमोट से चलने से इनकार कर दिया, जब बिहार की जनता के हित में काम करना शुरू कर दिया, जब इन लोगों का ठग फ्रॉड की राजनीति को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने एक लंबी लकीर विकास की तारीख खींचनी शुरू कर दी, तब इनके पेट में दर्द हो गया। तब देखिए इन्होंने कैसे लालू नीतीश की जोड़ी जो है, जो भारत के राजनीति में सबसे कह लीजिए कि दो धुरी की राजनीति थी, वो एक धुरी पर आकर टिक गई केवल और केवल जीतन राम मांझी के बढ़ते हुए कद के डर से। जीतन राम मांझी का कद जो बढ़ने लगा तो इन लोगों ने देखा कि अब हमारी जो झूठ की राजनीति है, झूठ की खेती है, जो केवल ठग की खेती है, उसमें पलीता लगने वाला है। आप लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया नीतीश कुमार के खिलाफ, बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर चाहते क्या? नीतीश कुमार ने तो जीतन राम मांझी देखिए इतना भी कुछ नहीं कहा था कि आप लोगों को इतना गुस्से में। सवाल केवल एक नहीं है। हाँ। अगर आप अब आप कहते हैं कि इतना कुछ नहीं कहा था, उन्होंने तो कह रहा है कि हमने, उनके नेता भी कह रहे हैं कि दोस्ती यारी की भाषा है, प्यार मोहब्बत की बात बोले, बैठ जाइए। तो हम तो चैलेंज करते हैं कि वही बात आप आकर के बाहर कह दीजिए। हाँ। वही बात आप लालू प्रसाद जी के लिए भी कह दीजिए। लालू प्रसाद जी भी तो दोस्ती यारी है, जितनी बनाए आपको भी तो किसी ने बनाया ना भाई। आप कोई अवतारी पुरुष तो है नहीं। हाँ। आप कोई रामकृष्ण की तरह तो अवतार लिए नहीं। आप किसी राजा परिवार से तो थे नहीं। आपको तो इन्हीं लोगों ने, जीतन राम मांझी जी जैसे वरिष्ठ जो बिहार के नेता थे, उन लोगों ने कह लीजिए कि संघर्ष करके उनको अपना एक राजनीतिक जमीन दी और उनको वजूद दिया और वो मुख्यमंत्री हो गए। तो हर किसी को कोई ना कोई बनाता है। लोकतंत्र में रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं लेता है, वो जनता के मिजाज से पैदा लेता है। तो जनता के मिजाज को पैदा करने का काम कौन करता है? जो और तमाम लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता वही करते हैं ना। तो आज आप उनका तो भाई ज्ञान अनूठा है ना, वो तो राष्ट्रपति महामहिम को भी उलाहना देते हैं कि आपका भी काम करवे करते थे ना, आते थे ना मेरे पास काम लेके, तो उनका ज्ञान तो अद्भुत है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, तमाम उन जगहों पर, अभी तो एक शुरुआत है ना। हम यहाँ बाबा साहब के मूर्ति के पास बैठने गए, इन्होंने बैठने नहीं दिया, ताला मार दिया बाबा साहब के मूर्ति के आगे। उसके बाद हम लोग राजघाट गए, वहाँ पर धरना भी हुआ, हवन भी हुआ और गांधी जी से हम लोगों ने अपनी बात भी कही। वैसे ही तमाम जो पुरखे हमारे हैं उन सबों के पास जाएंगे और जनता के पास जाएंगे और नीतीश कुमार जी की पोल पट्टी खोलेंगे। ये लालू प्रसाद यादव
के गोद में बैठ करके दलितों को किस तरह से ये कह लीजिए कि बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं और उलाहना देने का काम कर रहे हैं। यानी कहना चाह रहे हैं कि पूरा बिहार घूमिएगा और नीतीश का बातों को बताइएगा। इनके राजनीतिक जमीन को अब जब तक इनके पैर के नीचे से खिसका नहीं देंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और इनके अहंकार को हमने कहा ना कि बिहार के इसी सरजमी में गाड़ देने का काम करेंगे तब इनको औकात पता चलेगी, अन्यथा इनकी खामोशी। आज आप देखिए ना, एक सवाल थोड़े है, आज जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री बना रही है कांग्रेस जिसको, उसने बिहारी डीएनए पर सवाल कर दिया। अब ये तो नाखून कटा रहे थे, बाल मुड़वा रहे थे मुख्यमंत्री जी, अब उनके लोग नाखून कटा के बाल मुड़वा के भेजे सोनिया गांधी के यहाँ और राहुल गांधी से पूछे कि उसका डीएनए क्या है, सोनिया गांधी के बेटे का डीएनए क्या है बताए। अगर बिहार का डीएनए खराब है तो इटली का डीएनए अच्छा है। ऐसे तमाम उदयनिधि मारन सनातन को गाली देते, ये लोग खामोश होते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये लोग केवल और केवल नफरत का वातावरण बना करके, नफरत का बीज बो करके, हिंदू मुस्लिम करा करके, तो जाति पाति करा करके। हिंदू मुस्लिम वाली बात तो आप लोगों पर लगती है, बीजेपी पर लगती है, कराता कौन पर लगती है। बीजेपी के किसी प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का या शीर्ष नेता का किसी एक का बयान आप दिखा दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इनके तमाम लोगों का कई बयान आपको हम दिखा सकते हैं सदन के अंदर सदन के बाहर, जिसमें इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की है, जिसमें इन्होंने भड़काने की बात की है, जिसमें इन्होंने आग लगाने की बात की है। और देश के जितने दंगे हैं उसमें 90% दंगे इनके राज में हुए हैं, 90% से ज़्यादा तमाम दंगे के पीछे इन लोगों का हाथ होता है। ये इंडी अलायंस मांझी जी चुप बैठने वाले में से नहीं है। सवाल नहीं, मांझी जी कहे ना कि इनको जमीन में गाड़, इनके राजनीतिक अहंकार को जमीन में दफन कर देंगे तब शांत होंगे, उसके पहले इनका आप कोई, हम तो देखना चाहते हैं कितनी ताकत है, कितने ताकत है इनके जो ढोंगी प्रवक्ता लोग हैं, जो अनाप शनाप बोलते हैं, जो क्या क्या किस किस तरह का बयान देते हैं। हम तो कहते हैं, कोई कह रहे थे कि शल्य चिकित्सा करेंगे, अरे है हिम्मत तो तुम जरा, हमने तो कहा ना कि आप मुख्यमंत्री जी का हेल्थ बुलेटिन जारी करो। नहीं मुख्यमंत्री जी ठीक, उनका ठीक हो गए तो जयललिता भी ठीक हो जाती थी, तो कौन शशिकला बना हुआ था इसका खुलासा नहीं होना चाहिए क्या? मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है वो सही है क्या? सही है। दवा का डोज ज़्यादा हो जाता है तो कुछ और रिएक्शन, कम हो जाता है तो कुछ और रिएक्शन, ये तो आप लोग भी नोटिस कर रहे हैं। तो कौन है जनता दल यूनाइटेड का शशिकला जरा बताएं? और वो जो फालतू के प्रवक्ता लोग बोलते रहते हैं, हम लोग भी शल्य चिकित्सा करना जानते हैं, और शल्य चिकित्सा हुआ है कि आज नीतीश कुमार हाँफ रहे हैं, वही शल्य चिकित्सा है ना। 118 विधायक वाली पार्टी 41 विधायक पर आकर सिमटी है और शल्य चिकित्सा का भी पता नहीं है कैसे शल्य चिकित्सा होता है। होम्योपैथ और शल्य चिकित्सा सब डॉक्टर वही रखे हैं और बाकी लोग नहीं जानता है। तो चलिए, श्याम सुंदर थे, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खूब गुस्से में हैं। देखिए नीतीश कुमार को लेकर और उनके पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, काफ़ी नाराज है और कह रहे हैं चुप बैठने वाले में से नहीं है। बिहार के तमाम जो महापुरुष हैं उनके पास जाएंगे, तमाम गाथाओं को गाएंगे जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।